आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं हैदराबाद के इलेक्शन की। जी हां, हम इस वक्त मौजूद है हैदराबाद के चार मीनार पर, जहां पर मुजीबुल्ला शरीफ साहब जो है वो एमएलए के उम्मीदवारी यहां पर कर रहे हैं और हल्के चार मीनार 66 इनका नंबर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से भिवंडी मुंबई से तशरीफ लाए हैं जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं जनाब फाजिल अंसारी साहब। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि हैदराबाद की पोजीशन इस वक्त क्या है और लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं तो किस तरीके का चाहते हैं। साथ ही साथ हम उस उम्मीदवार से भी बात करेंगे जिन्होंने इस जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारी स्कीमों को रखा है और जो लहर चल रही है उसके बारे में भी हमसे बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हमसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब जो है चार मीनार की जो कांग्रेस की लहर है वो कहां तक पहुंची है। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय मानिकराव ठाकरे साहब को, जो यहां के ऑब्जर्वर हैं, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें चार मीनार 66 का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। उस की यहाँ पर चूँकि कांग्रेस जो है तो हमेशा सेकंड नंबर पर रही है और ये एक अहम असेंबली हलका है और बाहुल मुस्लिम क्षेत्र इलाका है, हमेशा यहाँ पर जो है MIM का गलबा रहा है। श्री मानिकराव ठाकरे साहब ने ये बात कहा है कि आप यहाँ पहुँचें और यहाँ के हालात को मजबूती के साथ जायजा लेकर के मैक्सिमम यहाँ पर वोट कांग्रेस के फेवर डलवाना है ताकि ये सीट कांग्रेस के पक्ष में विजयी हो। यहाँ पर आपकी जो कांग्रेस की लड़ाई है वो डायरेक्टली किससे रहेगी? हमारी लड़ाई यहाँ पर, चूंकि हमने कहा ये असदुद्दीन अवैसी जो MIM के सदर हैं, ये उनकी आबाई सीट हो गई है। पिछले काफ़ी सालों से उनके वालिद मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके दो रफ्ता जीतते आए हैं। यहाँ पर 5 वार्ड जो डिवीज़न है ये पर MIM का कब्जा है। यहाँ MIM काफ़ी अपने को मजबूत बताती है लेकिन राहुल जी के यहाँ आने पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है और ये सीट उम्मीद है कि कांग्रेस के पक्ष में इस साल एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी। कांग्रेस ने कुल कितने अपने कैंडिडेट यहाँ पर किए? कांग्रेस ने मतलब चूँकि तेलंगाना में मुख्तलिफ सीटों पर अपना उम्मीदवार दी है लेकिन स्पेशली हम चूँकि यहाँ आए हुए हैं इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस चार मीनार की सीट पर है और चार मीनार की सीट ही हमारी इज्जत और बका के लिए है ताकि हम सब लोग राहुल जी के हाथों को मजबूत करें और कांग्रेस यहां से स्थानीय पार्टी के रूप में बनकर उठे। कांग्रेस पार्टी की लहर है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कम मिनिमम 80 सीट्स लेके आएगी इस बार। और जहाँ तक हैदराबाद पार्लियामेंट का सवाल है, हैदराबाद पार्लियामेंट में भी उनको काफ़ी सीट्स का प्रॉब्लम होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चार मीनार, नामपल्ली, मलकपेट में ये सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। सर, से कौन से मुद्दे आप लोगों ने जनता के सामने रखा है जिसको देखकर या जिसको सोचकर जिसको कराकर लोग आपको वोट देंगे? राहुल गांधी जी ने जो नफरत की दुकान बंद करने के लिए और मोहब्बत की दुकान को जो खोला है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अवाम ये चीज़ पर उनको लब्बे कहा है, उनको उनके साथ आने के लिए उनकी हामी भरी है। और दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी जी ने जो तेलंगाना अवाम के लिए 6 गारंटीज दिए हैं, जैसा कि 200 यूनिट फ्री और कल्याण ज्योति स्कीम जिसमें शादी होने वाली लड़की को 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना और लड़की को 2,500 रुपए पेंशन और ओल्ड एज वालों को 4,000 रुपए महीना पेंशन और 10 लाख रुपए इंश्योरेंस होंगे और जिसके पास प्लाट है घर बनाने के लिए पैसे नहीं है उनको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ये बहुत सारी ये स्कीमें जो है इस और 500 रुपये में सबसे बड़ी बात यह है कि 500 रुपये में सिलेंडर जो मिलेगा इसके लिए इससे अवाम काफ़ी खुश है और इसके लिए इसी की सारी चीज़ों की वजह से अवाम चाहती है कि कांग्रेस को इख्तदार में लाना
और इसके लिए सारी आवाम उत्सुक है कि कब इलेक्शन होगा, कब वोट देंगे, और जब ये इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे 100 दिन के अंदर ये सारे चीजें इंप्लीमेंट करने का हमने गारंटी कार्ड भी इशू किया है जिस पे हस्ताक्षर है रेवंत रेड्डी जी के और बट्टी विक्रमा के, कि ये लोग आवाम को तयखुन दे रहे हैं कि ये हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि हम ये इंप्लीमेंट 100 दिन के अंदर ये स्कीमें इंप्लीमेंट करेंगे। आपकी सीधी लड़ाई किससे? हमारी सीधी लड़ाई तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी से है, उसकी बी टीम असदुद्दीन अवैसी से है, और हैदराबाद पार्लियामेंट हैदराबाद में चारमीनार कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हमारी लड़ाई सिर्फ असदुद्दीन अवैसी से है जो बीजेपी की बी टीम है। आवाम के लिए क्या मैसेज? अवाम को हम 30 तारीख के दिन अवाम को ये कहेंगे कि अव्वल वक्त में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दें, और ये साजिश करने वाले टोले बीआरएस बीजेपी और एमआईएम को शिक्ष दें। हम यही अवाम से अपील करते हैं कि चारमीनार की अवाम हमें मुंतखब करके लाएंगे तो हम उन्हें ये तमाम गवर्नमेंट की स्कीम पहुंचाने में मदद जल्द से जल्द मदद करेंगे। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना।